अरे सर, हम कहाँ पर जा रहे हैं? अरे किसी ने पुलिस बुलाई है और वहाँ पर जा रहे हैं। अरे सर, कितनी धूप हो रही है, थोड़ी देर के लिए हम काम से छुट्टी नहीं ले सकते क्या? अरे फिर गुनहगारों को कौन पकड़ेगा? तुम भी कैसी बात करती हो शीला जी। अरे सर, क्या ही बताऊँ, इतनी गर्मी हो रही है। अरे यही लोकेशन है, बस निकल लो यहाँ से। अरे क्या, आपने किसी बच्चे को टक्कर मार दी? अरे अरे सॉरी सर, आप दिखाई नहीं दिए, बहुत ज्यादा छोटे हैं ना। अरे अरे कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी गाड़ी चलाते वक्त। और शुक्रिया सर, आपने कोई कंप्लेंट नहीं की। अरे हाँ, कंप्लेंट तो मुझे और किसी की करनी है। बताइए किसकी कंप्लेंट करनी है आपको? अरे एक्चुअली मेरे घर में एक बंदा रहता है, मैं चाहता हूँ तुम उसे यहाँ से बाहर निकाल फेंको। अरे सर, वो आपके घर में रहता है, फिर आप क्यों नहीं निकाल के फेंक देते? अरे मैं नहीं कर सकता ना ये, पर ये घर मेरे नाम पर है, सारे पेपर उसे निकाल के बाहर फेंको। ओके सर, आप जैसा कह रहे हो। गुड मॉर्निंग गाइस, जुखाम हो गया यार मेरे तो बहुत तेज वाला, रात को ज्यादा तेज एसी चला ली थी, पर कोई बात नहीं, चला लेंगे हम लोग काम। चलो यार बाहर चलते हैं। अरे मैं बोल रहा हूँ उनको बाहर निकाल फेंको। अबे ये तो सिंचेन की आवाज है, किसको बाहर निकालने की बात कर रही है? चलो जाके देखते क्या चल रहा है यार बाहर, कौन आया उड़ा है, लगता है उसके दोस्त वोस्त। अबे एक सेकेंड, ये पुलिस वाले यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अरे सर क्या हो गया, पुलिस इंस्पेक्टर यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप? अरे यही आदमी है क्या वो? अरे हाँ यही आदमी है, इसको बाहर निकाल फेंको। अबे क्या बात चल रही है, किसको बाहर निकालने की बात हो रही है? अरे तुम चुपचाप यहाँ से निकल लो। हाँ समझ भैया, बहुत दिन रह लिया, अब तुम जाओ यहाँ से। हैं क्या बकवास बात कर रहे सिंचेन तू? अरे सर आपको समझ नहीं आ रहा है कि जो बोला है सर ने? अरे क्या बकवास कर रहे हो, ये मेरा घर है। अच्छा पेपर्स किसके पास है इस घर के? पेपर्स तो सिंचेन के पास है। हाँ समझ भैया, इस घर का असली मालिक मैं हूँ और तुम अब यहाँ पर नहीं रह सकते। सिंचेन क्या बकवास वाली बात कर रहे, सुबह सुबह क्या फूक के आया तू? समझ भैया मैं बिल्कुल होश आवास में बोल रहा हूँ। अरे सर आप इनके साथ ज्यादा लड़ाई वड़ाई नहीं कर सकते हो, आपको जो बोला गया वो करिए, आप यहाँ घर से निकलिए। हाँ समझ गया, तुम यहाँ से निकलो। अरे चलो जाके देखती हूँ आखिर सिंचन ने काम किया या नहीं किया। अरे ये क्या, सिंचन अभी काम कर ही रहे, लगता है ये बस निकालने वाले सुमित को बच्चे को इस घर से, मजा आ जाएगा फिर तो। अरे सिंचन क्या हुआ? अरे हाँ जैसा तुमने कहा था मैं कर ही रहा हूँ। अरे ये कौन है सिंचन? अरे मैं सिंचन की गर्लफ्रेंड हूँ। अच्छा तू करवा रही है कि ये सब? अरे सिंचन देखो मुझसे कैसे बातें कर रहा है ये। अरे पुलिस ऑफिसर, मैंने आपको बोला ना ये आदमी जबरदस्ती हमारे घर पर रह रहा है, इसे निकाल के फेंको यहाँ से। अरे आपको सर यहाँ से जाना पड़ेगा। हाँ जा रहा हूँ यहाँ से। गाइस यार ये सब क्या चल रहा है यार, गाइस यार ये सब क्या बवाल हो गया सुबह सुबह। सिंचन ने मेरे घर से बाहर निकाल फेंका यार, एक लड़की के ऊपर यार। पक्का उस लड़की ने बोला होगा मुझे घर से बाहर निकालने को, और मैं कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि यार पेपर सिंचन के पास है घर के, और पुलिस वाले सिंचन की मानेंगे। अब मैं घर पर वापस भी नहीं जा सकता हूँ, अब मैं क्या करूँ यार, मैं तो बेघर हो गया। सिंचन इतना बुरा कैसे हो सकता है यार, उसने एक लड़की के चक्कर में मुझे घर से निकाल फेंका भाई, ये बहुत बुरा है। अरे इंस्पेक्टर सर शुक्रिया आपका हमारी हेल्प करने के लिए। अरे मैडम जी कोई बात नहीं। हाँ तो सर आप लोग जा सकते हैं बस यहाँ से। हाँ ठीक है। ए, कितनी बुरी लड़की है। अरे तुम्हें क्या लेना देना, वो उनका घर का मैटर है। आओ सिंचन हम लोग अंदर चलते हैं। हाँ चलो अंदर चलते हम लोग। आखिरकार जैसा कि मैंने सोचा था और बॉस ने बोला था वो हमने कर दिया, मैंने यहाँ से निकाल फेंका उस सुमित के बच्चे को। अरे बेटे आज से हम दोनों साथ में रहेंगे यहाँ पर। हाँ सिंचन हम लोग अब यहाँ पर साथ में रहेंगे। तो गाइस यार मेरे पास ज्यादा पैसे है नहीं क्योंकि सारे पैसे सिंचन के अकाउंट में थे, तो इसलिए तुम्हारे भाई ने यहाँ पर जॉब शुरू कर दिया। यहाँ पर मैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने का काम करता हूँ, इससे मेरे को महीने के 15-20 हज़ार रुपए मिल जाते हैं और अपना घर का खर्चा निकल जाता है। पर यार मेरे को अभी यकीन नहीं हो रहा है, आखिर सिंचन ने मेरे साथ ऐसे कैसे किया यार, उसने एक सेकंड नहीं सोची यार मैं कब से उसके साथ रह रहा हूँ। और यार मैं भी पागल हूँ, मैंने सिंचन के नाम क्यों करवाए सारे पेपर्स, पर यार मैं क्या कर सकता हूँ यार, वो मेरा भाई है छोटा इसलिए करवाए थे मैंने। अरे यार मुझे ढूंढ के निकालना पड़ेगा कोई ऐसे आदमी को जो मेरा काम कर सके, अब मैं क्या करूँ कहाँ से लाऊं आदमी। अरे इस गाड़ी का भी तेल अभी खत्म हो रहा था, चलो जाके इसमें फ्यूल अप करवा लेता हूँ। अरे हटो ना लड़की, आगे से ठुक के ही मानोगी क्या, चलो इसमें फ्यूल अप करवा लेता हूँ। अरे सर आराम से। अरे यार मैं क्या करूँ, ये गाड़ी बहुत ज्यादा लंबी है ना, तो कंट्रोल करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है मेरे दोस्त। अच्छा हाँ तो तुम जल्दी से अब इसमें फ्यूल अप कर दो यार, फुल कर देना है टंकी। कितने की टंकी इसकी? अरे इसमें होगी यार 100-200 लीटर की, पता नहीं कितने की है, तुम फ्यूल अप करो ना यार जितना तुमको बोला है। ओके ठीक है सर, अभी आपको फ्यूल अप कर देता हूँ। और हाँ वो क्रेडिट कार्ड वाली मशीन लेके आ जाना, पैसे मैं क्रेडिट कार्ड से दूंगा, कैश नहीं है मेरे पास। अरे एक सेकंड, ये तो बॉस का फोन आ रहा है। चलो गाइस यार मैं मेरा काम करता हूँ, फोन क्यों निकाल लिया था पागल उत्तर, मैंने फ्यूल भर देता हूँ। हेलो बॉस। हाँ बोलिए। अरे तुमने अभी तक बंदे नहीं ढूंढे क्या? अरे बॉस यार मैं बंदे ढूंढ ही रहा हूँ उस चीज के लिए, मैं क्या करूँ मेरे को बंदे नहीं मिल रहे।
तो। चलो गाइस यार मैं तो मेरा काम करता हूँ, जल्दी से इसमें पेट्रोल डाल देता हूँ। ओके तो गाइस यार मैंने पेट्रोल फिल कर दिया बिल्कुल फुल ऊपर तक। हेलो सर, आपने जैसा बोला था मैंने पेट्रोल फुल कर दिया है। अरे बॉस एक सेकंड सर, बताता हूँ अभी आपको मैं। अरे भाई पेट्रोल फुल कर दिया। अरे बॉस मैं बंदे ढूंढ रहा हूँ ना, जैसे बंदे मिलेंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। हमें कैसे करके उसे जीतना है यार, क्या ही बताऊँ बॉस मैं आपको। हाँ तो जल्दी जल्दी ढूंढो यार, बहुत ज्यादा जरूरी है बंदे ढूंढने। ठीक है बस, सॉरी बॉस अभी ढूंढता हूँ, मैं गाड़ी का तेल भरवा रहा था, दो मिनट रुकी, अभी जा रहा हूँ बंदे ढूंढने के लिए। ऐसे बंदे ढूंढ के निकालूंगा जो हमारा पूरा काम कर देंगे, पक्का जीत जाएंगे वहाँ पर जाके। हाँ तो रखो फोन, अब बोलते ही जाओगे, बड़बड़ाते ही जाओगे। अरे बॉस सॉरी बॉस अगर मैंने ज्यादा बोल दिया हो तो। हाँ तो काटो फोन। अरे यार बॉस भी ना। अरे हाँ भर दिया तुमने पेट्रोल? हाँ भाई पेट्रोल तो मैंने भर दिया। वैसे तुम क्या बात कर रहे थे, किस चीज के लिए बंदे चाहिए तुम्हें? अरे हम असल में एक रैम चैलेंज करवा रहे हैं, उसके लिए हमें बंदे चाहिए। अरे रैम चैलेंज? भाई मेरे को लेके चलो ना। है तुम क्या करोगे यार, वहाँ पर अच्छे प्रोफेशनल चाहिए, तुम जैसा आदमी यहाँ पर क्या कर सकता है जो पेट्रोल भरता हो। अरे भाई तुम मेरे को कम समझ रहे हो, मैं बहुत खतरनाक वाला प्रोफेशनल आदमी, मुझे लेके चलो, मैं वहाँ पर रैम चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। देख लो उसके अंदर जान भी जा सकती है, तुम अपने ऊपर जाओगे। हाँ ठीक है यहाँ पर पेट्रोल भरने से अच्छा है कि मैं मरी जाऊँ। ठीक है मेरे को लेके चलो, मैं उस रैम चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट करूंगा। हाँ तो ठीक है चलो, हमें एक बंदा तो मिल गया कम से कम। अरे आओ चलो, तुम्हारी ही जरूरत थी मेरे को, बैठो मेरे साथ गाड़ी के अंदर और हम लोग चलने वाले उस रैम चैलेंज को करने के लिए। पक्का तैयार हो ना तुम? हाँ तैयार हूँ भाई, बिल्कुल तैयार हूँ। हाँ तो चलो लेट्स गो। क्या नाम है तुम्हारा? सुमित नाम है मेरा। हाँ तो सुमित चलो मेरे साथ, आओ बैठो गाड़ी के अंदर। अरे भाई कितनी दूर हो रैम चैलेंज? ज्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ी ही दूर जाना है। ओके तो गाइस यार फिलहाल हम लोग कोई रैम चैलेंज करने जा रहे हैं और वहाँ पर ये बंदा बता रहा है मेरी जान को भी खतरा है। अरे वैसे मैंने ये नहीं पूछा उस रैम चैलेंज में जीतने वाले को क्या मिलेगा। अरे ये जो रैम चैलेंज है ना, हमारे लॉस सैंटोस के सबसे दिग्गज माफियाज करवा रहे हैं और बाहर के बहुत सारे लोग भी आने वाले हैं, उन लोगों ने बहुत सारा पैसा लगाया है, समझ रहे हो ना। अच्छा अच्छा, और जो भी इसके अंदर जीतेगा वो समझो माला माल हो जाएगा, बहुत बड़ा करोड़पति बन सकता है, बोले तो लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा माफिया बन सकता है, इतना पैसा होगा उसके पास। सही में? तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज के खतरनाक वाले बर्गर चैलेंज के अंदर। कितने सारे बर्गर है यार। अरे ये क्या शिट, रैम चैलेंज स्टार्ट करने से पहले मैंने एक बर्गर को नीचे गिरा दिया। बॉस लड़ेंगे तो नहीं मेरे को? चलो कोई बात नहीं, वो जाए जा रहा है बर्गर, कितना नीचे रहे अबे समझ लो, वो बर्गर अभी तक नीचे गिर रहा था और अब दिखाई भी नहीं दे रहा। तो ये रैम चैलेंज मौत का खेल होने वाला है, अब भी तुम लोगों के पास चांस है बाहर निकलने का। अरे मेरे को करना ही रैम चैलेंज किसी भी हालत में, मैं बार में काम कर करके थक चुकी हूँ और मुझे खुद की गैंग बनानी है, उसके लिए मुझे ये पैसे की जरूरत है। हाँ तो तुम बनाना जो तुम्हें बनाना। और तुम? ओ भाई साहब मेरे को ये पैसे किसी भी हालत में चाहिए क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, मुझे असल में किसी को ठिकाने लगाना है। अच्छा तो तुम्हें किसी को ठिकाने लगाना है, अच्छी बात है, पर याद रखना इसके अंदर तुम भी ठिकाने लग सकते हो। और तुम आखिर में? मैंने बहुत सारे लोगों का कत्ल किया है, पुलिस मेरे चारों तरफ ढूंढ रही है, मुझे इन पैसों की जरूरत बहुत ज्यादा, जिससे पुलिस मेरे पीछे ना छके, अगर मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे होंगे तो पुलिस मेरी जेब में होगी। हाँ तो तुम सभी लोग तैयार हो तो दिखाओ किसमें कितना दम है। तो सबसे पहले मैं जाऊंगी अपनी खतरनाक वाली रेड बाइक लेके। ओके तो गाइस यार सबसे पहले ये लड़की जा रही इस रैम चैलेंज को करने के लिए, और भाई साहब यार यहाँ पर सारे के सारे एक नंबर के क्रिमिनल लोग हैं यार। ये देख रहे हो ये लड़की असल में बार में काम करती है, तुम्हें पता है ना बार में कैसी लड़कियां काम करती है भाई, पक्का ये कोई ना कोई क्रिमिनल होगी। और मेरे बगल में जो आदमी खड़ा है उसने तो बहुत सारे लोगों का कत्ल किया है। ये क्या रख रखा है, साइड में फेंको हर चीज को। ओ भाई साहब, भाई लड़की के अंदर बिल्कुल भी डर नहीं है यार, जिगरा देख रहे हो तुम लड़की का, कैसे चीजों को हटाया जा रही है सामने से, एक सेकंड भी ये नहीं सोच रही बाइक अनबैलेंस हो सकती है यार। और ये कौन सी गाड़ी के टायर है यार, कितने बड़े बड़े टायर है। अरे ये असल में दुनिया के सबसे बड़े मॉन्स्टर ट्रक के टायर है। अच्छा भाई साहब यार मेरे को चलाने को मिले ना दुनिया का सबसे बड़ा मॉन्स्टर ट्रक तो मजा आ जाए। अरे ये देखो कितनी सारी चीजें रखी हुई है यहाँ पर। ओ भाई यार ये लड़की तो आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे इतने समय जीत जाएगी यार, और तुम्हारे भाई का क्या होगा फिर। और मुझे तो यार अभी सिंचैन से भी तो बदला लेना है यार, सिंचैन ने जो मेरे साथ किया यार उसने मेरे को कितना बड़ा धोखा दिया है, उसने एक लड़की के कहने के ऊपर पुलिस वालों को बुलवा के मुझे घर से बाहर निकलवा दिया। अरे यार ये बाइक के अंदर पावर ही बहुत ज्यादा है। अच्छा तुम्हें पता है ये कौन सी बाइक है? मुझे नहीं पता ये कौन सी बाइक है, बस मुझे बाइक चलाने से मतलब है। अच्छा तो गाइस यार तुम लोग बताओ आखिर ये कौन सी बाइक चला रही है। चलो छोड़ो तुम्हें ऐसे नहीं समझ में आएगा तो ये वाली बाइक बताओ, जो भी स्क्रीन पे जो वाली बाइक आ रही है बताओ आखिर ये कौन सी बाइक है, अगर तुम लोगों को पता है तो जल्दी जल्दी बता दो यार ये कौन सी बाइक है। अरे कोई सी भी बाइक हो चाहे
तुम्हारे दोस्त नहीं बता पाएंगे, उन्हें कोई बाइक की नॉलेज थोड़ी है। अच्छा ऐसी बात थोड़ी है गाइस यार, आप लोगों को देख रहे हो पागल समझ रही है, आप लोगों को पता है बाइक कौन सी होती है, तो आप लोग जल्दी से बता दो ये कौन सी बाइक है कमेंट बॉक्स के अंदर। जो सबसे पहले बताएगा ना भाई वो सुपर जीनियस माना जाएगा, और अपना नाम भी लिख देना कि मैंने सबसे पहले बताई कौन सी बाइक है, ठीक है। अरे ये पिंक कलर की गाड़ी कितनी ज्यादा सुपर लग रही है मेरी तरह। भाई एक सेकंड, बातों बातों में लड़की कितनी ज्यादा आगे आ चुकी है यार, देख रहे हो इसने आधा ज्यादा रैम चैलेंज कंप्लीट कर दिया, और इसने यहाँ पर अपने व्हीकल भी स्विच कर लिया गाड़ी के अंदर, और यार ये तो आगे बढ़ती जा रही है भाई, ये ऐसी जीतती रहेगी तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे मैं जीतती ही रहूंगी, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं एक बहुत ही हैवी ड्राइवर हूँ। अच्छा हैवी ड्राइवर है तो तेरी पक्का बैंड ने बजने वाली अब। अच्छा मुझे नहीं लगता मेरी बैंड बजने वाली है। और ये ले तेरी बैंड बजेगी अब। अरे कुछ नहीं होगा ये देखो। मैंने क्या बोला था, मुझे पता लग गया कि तेरी गाड़ी की पावर बहुत ज्यादा कम है, ये कैसे हुआ। और तुम देखना कि मैं कैसे जीतने वाला हूँ इस रैम चैलेंज को, अगर एक बार मैं इस रैम चैलेंज को जीत गया तो मैं पूरे लॉस सैंटोस में खूनों की नदियां बहा दूंगा। अबे भाई साहब क्या बकवास कर रहा है। अरे तुम्हें मैं बताता हूँ, असल में इसने किसी को भी नहीं मारा है, फिर इसके कपड़ों पे खून किस चीज का लगा हुआ है। अरे यार ये एक बकरा काटने वाला है यार, मुर्गियां और बकरों को काटता है ये, समझ नहीं आता क्या। वो कपड़े देखो उसने कैसे पहन रखे हैं, फिर हवा किस बात की बना रहा है, किसने आदमियों को मारा है। अरे बस ये दबदबा बनाना चाहता है लोगों के अंदर खून दिखा के, असल में बकरे और मुर्गे का खून है। भाई सब फालतू की हवाबाजी कर रहा है ये। अरे अरे कुछ बोल रहे हो क्या तुम मेरे बारे में। नहीं 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 हम कुछ नहीं बोल रहे तेरे बारे में, तू अपने कंसंट्रेट कर रैम चैलेंज के ऊपर। हाँ वो तो मैं कर ही रहा हूँ, एक बार मैं जो यहाँ पर जीत गया ना फिर देखना मैं कैसे नाड़े काटता हूँ। हाँ वो नाड़ तो तू काटता ही है ना मुर्गे की। अरे क्या बोला तुमने। मतलब यार मूर्खों की, मूर्ख आदमी जो होते हैं उनकी नाड़ काटता है ना तू। हाँ वही है। और तू तू करके किससे बात कर रहा है, मैं इस रैम चैलेंज को जीतने वाला हूँ, आप करके बात कर वरना सबसे पहले नाड़ मैं तेरी काटूंगा। सॉरी सर, और यहाँ पर तू जीत तो ले पहले, बकवास इतनी पेल रहे। अरे ये कैसे हो सकता है, मार कैसे गया। अरे तो आखिर में तुम्हारी बारी बची है, क्या तुम पक्का जीत पाओगे इस रैम चैलेंज को। अगर तुम भी नहीं जीत पाए तो सारा रिफंड हो जाएगा वापस, किसी को भी पैसा नहीं मिलेगा। हाँ मैं बिल्कुल यहाँ पर जीतने वाला हूँ। हाँ तो दिखाओ कि तुम जीत सकते हो या नहीं जीत सकते, या तुम भी उन लोगों की तरफ फीके पकवान हो। नहीं 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 मैं पक्का जीत के दिखाऊंगा। तो जाओ यार, बड़बड़ाती रहोगे क्या। भाई मैं बड़बड़ा तो नहीं रहा, तू ही मुझसे बात कर रहा था। हाँ तो जाओ जाओ दिखाओ कितना दम है तुम्हारे अंदर। ओके तो गाइस यार ये चले हम लोग। अरे यार यहाँ पर ये गाड़ियां तुम लोग देख रहे हो, कितनी महंगी महंगी गाड़ियां लगा रखी भाई रैम चैलेंज के अंदर। और भाई एक दो के तो शीशे भी टूट गए इस बाइक से, समझ रहे, मेरी वाली नहीं उन लोगों ने तोड़े है। हाँ मैंने भी तोड़ दिया, क्या बड़ी बात है। और ये हम लोग चले काफी तरीके से। ओ भाई साहब कितनी तेज जा रहा हूँ यार मैं उन लोगों से, तो देख रहे हो आप लोग। ओए यहाँ पर तेज भगा के लेके जानी बाइक। ये हम लोग चले 120 110, और ये लगाई जाम, पहुंच जाऊंगा ना मैं, और ये पहुंच गए, नाइस। चलो यार अभी तक हम लोग काफी ज्यादा सही कर रहे हैं। और यार मेरे को ये समझ में नहीं आता यार, इतनी ऊंचाई पर ये चीजें हवा में फ्लोट कैसे कर रही है। अरे यार वो तो तुम गेम वालों से पूछो कि आखिर ये चीजें हवा के अंदर कैसे फ्लोट कर रही है। ओए यहाँ पर नीचे देखो यार, उल्टे पेड़ है यार। भाई देख रहे हो कैसे उल्टे पेड़ उग रहे हैं यहाँ पर, समझ नहीं आ रहा है कुछ भी मेरे को तो। अरे तुम जीतो ना यार जल्दी से, और चलो यहाँ से, मुझे घर जाके दही पकौड़े खाने हैं। भाई साहब खाने तो मेरे को भी है, गर्मी इतनी ज्यादा जो लग रही है, पर उसके लिए घर भी तो होना चाहिए। भाई मेरा जो घर था यार वो तो असल में सिंचैन ने खुद के पास रख लिया, मतलब सिंचैन का भी घर था मेरा भी घर था, पर यार सिंचैन ने मेरे को धोखा देके खुद का कर लिया भाई पूरा घर, वो भी उस लड़की के कहने पे। भाई साहब क्या ही बताऊं यार, लड़कियों के पीछे दोस्तों के बीच में लड़ाई हो जाती है सही में, आज मैंने देख भी लिया यार, सुनने में आता था पहले तो। और चलो भाई यार यहाँ पर हमने गाड़ी स्विच कर ली है, मतलब पहले हमारे पास बाइक थी, और यार यहाँ पर थोड़ी सी आगे जाके वो लड़की हारी थी जो बोल रही थी ना कि यार उसको एक गैंग खोलनी, और जो बार के अंदर काम करती थी, और भाई उसकी जो गाड़ी थी ना उससे मैंने बहुत ही ज्यादा पावरफुल गाड़ी ली है। उसकी गाड़ी के अंदर कम हॉर्स पावर थी, पर मेरी गाड़ी के अंदर ज्यादा हॉर्स पावर है। और ये तुम लोग देख रहे हो कैसे तोड़फोड़ करते हम लोग जा रहे फुल स्पीड में बिना कोई ब्रेक लिए। और यहाँ पर अब भाई तेज वाली जंप लेनी है वरना मैं भी हार जाऊंगा। और ये लगाई हमने जंप, पहुंचूंगा या हारूंगा पता नहीं चल रहा। और ये फू पहुंच गए भाई, यहाँ पर वो लड़की तो नीचे गिर गई थी पर तुम्हारा भाई पूरा पहुंच गया। गाइस यार मजा ही आ गया। अब यहाँ पर इतने सारे बर्गर्स क्यों रखे हुए हैं यार, पता नहीं यार ये रैम चैलेंज के अंदर बर्गर्स क्यों होते इतने सारे। और ये एक और लगाई जंप खतरनाक वाली, और ये बिल्कुल परफेक्ट जंप लगाई है तुम्हारे भाई ने। अबे ये क्या है, चक्कर सा आ रहा है इसके अंदर तो, अजीब अजीब सी लाइट्स है इसके अंदर। अबे ये सामने क्या है मेरे, अबे ये क्या जीगा यार, ओए ये तो काफी हार्ड होने वाला है। गाड़ी स्लो चलाता हूँ यार, फालतू में अगर अनबैलेंस हो गई ना तो डायरेक्ट रैम चैलेंज से बाहर निकल जाऊंगा, और मैं नहीं चाहता इतनी आगे पहुंचने के बाद हम लोग डिस्क्वालीफाई हुए। तो इसलिए आप लोग क्या कर रहे हो, जल्दी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, जिससे आप लोग डेली मेरे वीडियोस देख पाए। ओए बचा भाई, क्या बार बार बचा है तुम्हारा भाई, अभी डायरेक्ट नीचे जाता। ओए एक सेकंड, अबे यार
इतने सारे पैसे, मेरे को लगा था 2-3 करोड़ मिलेंगे, ये तो बहुत ज्यादा है यार। मतलब एक डब्बे के अंदर ही कम से कम 5-10 करोड़ रुपए तो होंगे। और ये डायमंड देख रहे हो कितने बड़े बड़े हैं यार, कोहिनूर भी इतना बड़ा डायमंड नहीं है यार, ये करोड़ों के डायमंड है यार। मतलब तुम्हारा भाई खरबपति बन चुका है भाई, मैं तो अंबानी को भी पीछे छोड़ चुका हूँ, इतने पैसे आ चुके तुम्हारे भाई के पास। मजा आ गया यार, अब मेरे को जो काम करना है वो करता हूँ मैं जाके। अरे चलो, आखिरकार रात हो चुकी है, मैंने सिंचन को असल में पब में लेके गई थी। झूम बराबर झूम शराबी, अरे हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे कुछ नहीं सिंचन, बस हम लोग घर पहुँच चुके हैं, आ जाओ अब तुम। अरे मुझे तो बहुत तेज वाली नींद आ रही है। अरे सोनालिका कहाँ जा रही हो मुझे छोड़ के? मैंने सिंचन को इतनी ज्यादा पिला दी है कि इसको होश भी नहीं है बिल्कुल भी, आखिर ये कहाँ पहुँच गया है? आ सिंचन नीचे। हाँ सोनालिका, मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही हूँ, पर ये दुनिया 4 की हो गई है। क्योंकि तुमने इतनी ज्यादा जो पी रखी है, तुम्हें होश ही नहीं है। अब मुझे बस घर के पेपर्स लाने हैं और सिंचन से साइन करवाना है। अरे सोनालिका, ये तुम मुझे 3-3 क्यों दिखाई दे रही हो? सोनालिका मेरी सोनालिका। अरे सिंचन, वो एक्चुअली एक प्रॉब्लम हो गई है, यहाँ पर साइन कर दो ना। अरे सोनालिका, तुम कहो तो जान भी दे दूँ तुम्हारे लिए, साइन तो बहुत छोटी बात है। हाँ तो सिंचन, अब यहाँ पर तुम लोग जल्दी से साइन कर दो, असल में यहाँ पर मेरे को किसी को देना है ये साइन। हाँ सोनालिका, अभी कर देता हूँ तुम्हारे लिए साइन, तुम्हारे लिए तो कुछ भी। हाँ सिंचन, मेरे प्यारे सिंचन, चलो अब जल्दी से यहाँ पर साइन कर दो और फिर हम लोग सोते हैं, रात हो चुकी है ना बहुत ज्यादा। हाँ सोनालिका, बताओ कहाँ करना है साइन? यहाँ पर सिंचन। हेलो, अभी कर देता हूँ यहाँ पर साइन, लो मैंने कर दिया साइन, अब चले कैसे सोने? सोनालिका मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है, मैं तो जा रहा हूँ सोने, सुबह मिलते हैं, गुड नाइट। अरे पुलिस ऑफिसर। अरे मैडम जी, अब आपने क्यों पुलिस बुलाई है? अरे सर, एक्चुअली ये घर मेरे नाम पे है और यहाँ पर जो एक लड़का रहता है, आपको उसको यहाँ से भगाना है। क्या, आपको अब उसे क्यों भगाना है? पहले आपने एक आदमी को भगवाया, अब दूसरे आदमी को भगवाया। अरे मैं तो बोल ही रही थी, एक नंबर की चुड़ैल है। अरे तुम मुझे ऐसे कैसे बोल सकती हो? अरे गाइस गुड मॉर्निंग, क्या ही मस्त दिन निकला है, चलो अब बाहर चलता हूँ सोनालिका के पास। ओ सोनालिका मेरी सोनालिका। अरे एक सेकंड, ये पुलिस यहाँ पर क्यों बुलाई है? अरे पुलिस ऑफिसर, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? अरे सर, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। अरे क्यों जाना पड़ेगा, मेरा खुद का घर है। अरे नहीं, अब से ये मेरा घर है। क्या बकवास कर रही हो सोनालिका? अरे बच्चे, आज से मैडम का घर हो चुका है ये। हाँ सिंचन, रात को तुमने इतनी ज्यादा पी ली थी, मैंने तुमसे घर के पेपर्स के ऊपर साइन करवा लिया। अरे सोनालिका, तुम से मुझसे प्यार करती थी, तुमने ऐसे कैसे किया मेरे साथ? अरे आजकल की दुनिया में क्या क्या हो रहा है, पहले भाई भाई को घर से निकालता है, फिर प्रेमिका अपने प्रेमिका को घर से बाहर निकालती है। अरे ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? अरे सिंचन, तुम्हें समझ में आ चुका होगा मैंने तुम्हारा यूज किया। मैंने सबसे पहले सुमित के बच्चे को यहाँ से निकाला, क्योंकि वो मेरे सर का बोझ था, जब तक ये पेपर्स मेरे नहीं हो सकते थे। अरे जाओ यहाँ से अब। अरे गाइस ये क्या, मेरे साथ तो बहुत बड़ा वाला धोखा हो गया, मैंने सुमित भैया को घर से निकाला और अब मेरे को खुद से घर से बाहर निकलना पड़ गया, क्योंकि यार मुझसे ऐसे नशे में साइन करवा ली गई घर के पेपर्स पर, ये तो बहुत गलत हुआ। तो गाइस यार ये देखो, तुम्हारे भाई की ब्रांड न्यू फरारी और तुम्हारा भाई जा रहा अभी लॉस सैंटोस के सबसे बड़ी गैंग के पास, और मुझे वो लड़की का पता है, वो लड़की है ना असल में एक गैंग के लिए काम करती है, और वो कोई और गैंग नहीं है, ये वो गैंग है जिसके लिए वो लड़की काम करती है, ठीक है? और हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, चलो यार चलते हैं, यहाँ पर हमने खतरनाक वाले कपड़े पहन रखे हैं। ओए कौन है यहाँ का लप्पू बॉस? अरे तू ऐसे कैसे बात कर सकता है? हाँ मैं यहाँ के बॉस, बोलो। मेरा नाम है सुमित और मैं पूरी गैंग खरीद रहा हूँ पूरे 100 करोड़ रुपए में। अरे बकवास मत करो, तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से कि तुम गैंग खरीदने वाले हो? मेरे पास कहीं से आए हो? पर ये गैंग आग से मेरी गैंग है। अरे सर आइए सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज से आप हमारे नए बॉस हो। हाँ तो चुपचाप शाणे, जो बोलता हूँ वो कर, तेरी एक लड़की है ना? अरे कौन लड़की है, हमारे पास तो बहुत सारी लड़कियां काम करती है। हाँ तो कोई भी हो, आज से मैं तुम्हारा बॉस हूँ, सब लोगों ने सुन लिया ना? और ये रहे तुम्हारे पैसे। अरे हाँ बॉस, आपका नाम क्या है बॉस? मेरा नाम है सुमित, सुमित बॉस की जय हो। और सुमित बॉस की जय हो। ओ हाँ, और सुमित बॉस की जय हो। चलो तुम लोग मान गए ना, आखिर तुम्हारा नया बॉस मैं ही हूँ, तो चलो काम करना शुरू करो, आज से तुम्हारा नया बॉस मैं हूँ। अरे चलो अब जल्दी से चलती हूँ और बॉस को बताती हूँ जाकर, जैसा उन्होंने कहा था मैंने उस बच्चे का घर हड़प लिया, उस सुमित को बाहर निकलवा के। अरे ये क्या, बॉस की नई गाड़ी? क्या गाड़ी ली है बॉस ने? अरे बॉस,
आपने नई गाड़ी ली? चलो कोई बात नहीं, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया। अरे हाँ, तुमने कर दिया क्या वो काम? हाँ बॉस, मैंने उसको बाहर निकलवा दिया और घर हमारे नाम पर हो चुका है, मतलब हमारी गैंग का घर हो चुका है आज से वो। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है, पर आज से बॉस मैं नहीं हूँ। हाँ बॉस, आप बॉस नहीं है फिर कौन बॉस है आज से? अरे आज से हमारा एक नया बॉस है, उसने हमारी पूरी पार्टी को खरीद लिया है। क्या बात कर रही है बॉस, आखिर हमारा नया बॉस कौन है, कौन है वो? अरे हमारा नया बॉस मेरे पीछे बैठा हुआ है। क्या बात कर रहे हो सर आप? हाँ, वो है आज से तुम्हारे नए बॉस, मैं नहीं। तुम मेरे नीचे काम करते हो और मैं उनके नीचे काम करता हूँ। हाँ, क्या हाल है तेरे? अरे तुम तो वही हो ना जिसके साथ तुमने धोखाधड़ी की। ये ले तेरी ऐसी तैसी, सादा मत बोल यहाँ पर। तो गाइस यार, यहाँ पर हमने उस लड़की को पकड़ लिया है जिसने सिंचैन और मुझे धोखा दिया, और अब मुझे ढूंढना है सिंचैन को जाके, ठीक है? क्योंकि यार इस लड़की ने बताऊं क्या काम किया, उसने सिंचैन को दारू पिला के घर के पेपर्स के सिग्नेचर करवा लिए, और वो असल में इस गैंग के लिए काम करती थी, और इस गैंग का असली बॉस आज से मैं हूं ना। तो यार लड़की पकड़ी गई, देख रहे हो यार कितना स्मार्ट गेम खेला तुम्हारे भाई ने। अब मैं जा रहा हूं सिंचैन को ढूंढने, पक्का सिंचैन कोई गरीबी रेखा में जी रहा होगा भाई गरीबों के साथ, क्योंकि यार उसके अंदर तो इतना दिमाग है नहीं, पर उसको पक्का रिग्रेट होने वाला है कि जो उसने मेरे साथ किया था उसने बहुत गलत किया। देखना अब तुम लोग बस कैसे वो मेरा गया। तो गाइस यार फिलहाल हम लोग आ चुके हैं वहां गरीब वाले इलाके में जहां पर गरीब लोग रहते हैं, और पक्का सिंचैन मेरे को यहां पर मिल ही जाएगा। देखो यार दिखाई दे रहा है कहीं पर तुम्हें सिंचैन? ओए सिंचैन, अबे कहां पर है तू सिंचैन? दिखाई तो नहीं दे रहा यार, कहां गया ये? यहीं पर ही होना चाहिए। सिंचैन, ओए सिंचैन के बच्चे, कहां मर गया? मर गया मैं तो। अबे सिंचैन ये रहना। अरे सुमित भैया तुम, अरे सुमित भैया मुझे माफ कर दो यार, तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ पर हूँ? सुमित भैया तुम्हें पता है उस लड़की ने मुझे भी धोखा दिया, उसने मेरे को दारू पिला के घर के सिग्नेचर करवा लिए। मुझे सब पता है। सुमित भैया तुम्हें कैसे पता है? मुझे तो फर्स्ट टाइम ही पता लग गया था जो लड़की घर पर आई थी, पर तूने मेरी सुनी ही नहीं यार। हाँ सुमित भैया सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सुमित भैया। वो तो सही है, मैंने मेरा दिमाग का यूज करके और भगवान की दया से मेरे पास इतने पैसे आ गए कि मैंने उनकी पूरी गैंग ही खरीद ली। वो असल में गैंग के लिए काम करती थी। चल अब आ जल्दी इस घर चलते है। सुमित भैया सॉरी सुमित भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ हाँ, मैं तेरी तरह थोड़ी हूँ जो पागलों की तरह हर चीज को एक सेकंड में सीरियस ले लूंगा। मुझे पता है तू बच्चा भी और तेरा दिमाग नहीं चलता इतना। हाँ सुमित भैया कच्चे के अंदर दिमाग मेरा तो। हाँ वो तो मुझे पता ही है, चल अब यहाँ जल्दी से। सुमित भैया आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा, माफ कर दो। हाँ ठीक है ज्यादा मक्खन मत लगा। सुमित भैया चलो घूमने चलते हैं। हाँ तो चलो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी मेक शुड लाइक कर देना, पहली बार भूलो बट के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलेंगे सुनने वीडियो में नेक्स्ट टाइम। जब तक के लिए राम राम जी। Thank you.